हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जुन सानी है। मैं सैमको इन्फोटेक में एज अ टेक्निकल इंजीनियर काम करता हूं। आज मैं आप सभी को बैटरी पैक बैलेंसर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हम ये मशीन देख रहे हैं, ये जो मशीन है हमारा न्यूली अपग्रेडेड मशीन है। ये एज अ वर्क करता है एक्टिव बैलेंसर की तरह। एक्टिव बैलेंसर का कहने का मतलब ये है कि ये पहले क्या करेगा, अपर लेवल वाले सेल को, अपर लेवल वोल्टेज वाले सेल को लोअर वोल्टेज वाले सेल में ला के सर पूरे बैटरी पैक को बैलेंस करेगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पोर्ट है जो कि लेस देन इक्वल टू 50 एम्पीयर का मतलब यहाँ पे मतलब हम अवेलेबल कर रखा है। इसके यूज़ से हम क्या करते हैं, बैटरी पैक को ऐसा चार्ज करके हम बैलेंस करते हैं। और इस मशीन में नए नए फीचर्स भी आए हैं, जैसे कि हम इसका जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है पूरा चेंज हो गया है। जो इससे पहले हमारी मशीन ही थी उसमें भी फ्यूज़ था, तो उसमें थोड़ी मतलब हमेशा हमको शिकायत देखने को मिलता था कि फ्यूज़ हमारी एक बार बार जल जाते हैं। बट इस नए मशीन में एज अ एडवांटेज मिल गया है कि इसमें मॉसफेट इनबिल्ट कर दिया गया है, जिससे द्वारा हमें हेल्प मिलता है कि फ्यूजेस हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट को झेल सके, बिकॉज जो करंट स्विच करेगा वो मॉसफेट करेगा। तो इसमें एडिशनल फीचर एज अ मॉसफेट डाल दिया गया है। इससे पहले वाले बैलेंसर हमारा मॉसफेट नहीं था। अब इधर देख सकते हैं, ये हमारे फ़ैन है। जब ये डिस्चार्ज करेगा बैटरी पैक को, तो उस टाइम पे फ़ैन क्या करेगा, ऑन होके और हीट को डिसिपेट कर देगा। मींस टू से ये वर्क तो करेगा एज अ एक्टिव बैलेंसर, बट जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा जब बैटरी पैक को हम बैलेंस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा चार्ज बचेगा वो इसके द्वारा वो क्या करेगा, डिसिपेट कर देगा हीट को, एक्स्ट्रा चार्ज को, एक्स्ट्रा वोल्टेज को। हाँ, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमने इसमें बैटरी पैक कनेक्ट किया है, 51.2 वोल्ट का LFP टाइप बैटरी पैक हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है, जो कि सोलर सीरीज़ का है। तो यहाँ पे सोलर सीरीज सबके वोल्टेज को शो कर रहा है, बाकी सबका ज़ीरो दिखा रहा है, बिकॉज हमने यहाँ से क्या किया है, सोलर सीरीज़ को हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। अब ये हमारा इंटरफेस जो खुलता है कि जैसे कि हमको चार्ज कराना है, डिस्चार्ज कराना है, हम अपने बैटरी पैक को कैसे बैलेंस करना चाहते हैं, चार्ज करके या डिस्चार्ज करके, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि यहाँ पे हम रिटर्न जाते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज भी शो होता है और लो वोल्टेज भी शो होता है। तो इस मैक्स और लो वोल्टेज के हिसाब से हमें क्या करना होता है, चार्ज या डिस्चार्ज कराना होता है। लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जैसे कि यहाँ इक्विलिब्रियम लिमिट वोल्टेज है, तो लिमिट वोल्टेज का मतलब ये है कि जैसे कि हमको चार्ज करवाना है, तो चार्ज करवा के हम मैक्सिमम लिमिट तक हमको चार्ज करवा, तो मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें डालेंगे। लाइक हमको, हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज जो है 3.009 है, तो हम यहाँ पे 3.009 है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल चार्ज लगा के, तो 3.33 तक कर देते हैं, या 3.6 तक कर देते हैं, सॉरी 3.6 तक कर देते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया वैल्यू, तो यहाँ पे सेट हो गया है। अब मिनिमम वोल्टेज यहाँ पे देखते हैं, मिनिमम कितना है, 2.981। तो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज को कैसे सेट करेंगे, इक्वलाइजेशन स्टार्टिंग वोल्टेज। लाइक हमको चार्ज करके अगर बैलेंस करना है, तो मिनिमम वोल्टेज जो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 2.91, बिकॉज यहाँ से वो स्टार्ट करेगा चार्ज करना, और कहाँ तक करेगा, 3.6 तक, और पूरे सोलर सीरीज के सेल को ये 3.6 तक को ये चार्ज करके बैलेंस कर देगा। तो ये तो हमारा हो गया, बाकी सब हमारा ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर ये LFP है, तो यहाँ पे हम लिथियम आयन बैटरी टाइम हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग सेल के बैटरी पैक के हिसाब से ही खुद ही ले लेता है। अब यहाँ पे इक्वलाइजेशन करंट का मतलब ये है कि 180 मिली एम्स, हम इसको 200 मिली एम्स सेलेक्ट करते हैं। 200 मिली एम्स का मतलब ये है कि ये फुल रेटेड करंट, मतलब 10 एम्पीयर से चार्ज डिस्चार्ज करके ये बैटरी सेल को, बैटरी पैक को बैलेंस करेगा। तो यहाँ सेट कर देते हैं हम, ठीक है। सोलर स्ट्रिंग हमने सेलेक्ट कर दिया, बाकी ये सब प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर दे रखा है कि डिफरेंशियल प्रेशर प्रोटेक्शन। यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके बैटरी पैक में एक वोल्ट से मतलब एक वोल्ट तक का डिफरेंस है,
तो उस तक उस वोल्टेज डिफरेंस तक को ये मेंटेन करके बैटरी पैक को आपको चार्ज डिस्चार्ज करके ये डिफरेंस को घटा के 0.02 तक ये कम कर देगा, मतलब 0.002 2% तक के बैटरी पैक को ये क्या करेगा, घटा देगा। कि डिफरेंशियल प्रेशर प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रेशर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे पूरे सीरीज़ में वोल्टेज है, अगर सीरीज़ का वोल्टेज 1 वोल्ट से ज़्यादा डिफरेंस का है तो यहाँ पे हम पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस है तो ये उसको बैलेंस नहीं करेगा मशीन, ओनली 1 वोल्ट डिफरेंस वाले को ये मशीन बैलेंस करेगा। और वो बैलेंस करके कितना वोल्टेज को घटा देगा, मतलब कितना मिनिमाइज़ कर देगा, 0.002 वोल्ट तक, मीन्स 2 मिली वोल्ट तक ये क्या करेगा, बैलेंस कर देगा 1 वोल्ट वाले डिफरेंस को, पूरे 1000 मिली वोल्ट को 2 मिली वोल्ट में ये बैलेंस करके हमें आउटपुट दे देगा। फिर हम रिटर्न जाते हैं। अब ये जो हमारा इंटरफेस खुला है, यहाँ पे हम अपने करंट बैटरी पैक का कैपेसिटी देख सकते हैं कि उसके करंट जो बैटरी पैक है उसकी कैपेसिटी कितनी है। हम इसको एज अ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। मोनोमर यहाँ पैरामीटर में जाके टोटल बैटरी साइकिल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल बैटरी कैपेसिटी या आपके बैटरी पैक की कैपेसिटी कितनी है और करंट कैपेसिटी कितनी है, ये तो मतलब ऑलरेडी शो हो रहा है। हम यहाँ पे अपने बैटरी पैक के अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितने कैपेसिटी में हमें चार्ज डिस्चार्ज करना है। तो ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर भी है इसमें। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ इसमें हमें मॉस्फेट का भी टेम्परेचर दिखाता है और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी दिखाता है। ये क्या होता है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो मॉस्फेट वर्क कर रहे हैं उसका भी टेम्परेचर इसमें शो होता है। इसमें करंट ज़ीरो का मतलब ये है कि आपको बैलेंसिंग अगर रोकना है तो आप करंट ज़ीरो को मतलब वो करके टैप करके आप बैलेंसिंग रोक सकते हैं। ऑटोमेटिक इक्वलाइजेशन का मतलब कि आप इसको टैप करके ये अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज लेके वो बैटरी पैक को बैलेंस कर देगा, ऑटोमेटिक इक्वलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि बैटरी पैक जो हमारा बैलेंस हो गया है 0.002003 4%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या है, हमारा बैटरी पैक बैलेंस हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। देखिए कैसे हर एक सेल के वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए आप फैन की भी आवाज़ इसमें आप सुन सकते हैं, ये फैन हमारा रोटेट हो रहा है, इसका मतलब है कि डिस्चार्ज कर रहा है। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि एज ए एक्टिव बैलेंसर ये कैसे काम करता है। लाइक जैसे कि एक सेल का वोल्टेज यहाँ पे हाई है, ठीक है, यहाँ पे लो है, इसका हाई है, इसका हाई है और इसका लो है, तो हाई वोल्टेज वाले सेल को क्या करेगा, ये लो वोल्टेज वाले सेल को चार्ज करके उसको बैलेंस करेगा, दैट्स कॉल्ड एक्टिव बैलेंस। तो ये सब जानकारी बैटरी बैलेंसर के बारे में थी। अगर आपको लाइव डेमो देखना है तो आप हमारे हेड ब्रांच पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी मशीनों का डेमो ले सकते हैं। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।